अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं टफियंस एफएम 96.6। इस वक्त मैं मौजूद हूं द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद इंजीनियरिंग विंग में। यहां पर इस वक्त कल्चरल फेस्टिवल और सूफी नाइट और पंजाबी कल्चरल फेस्टिवल थीम जो है वो मनाया जा रहा है। आज के दिन कल्चरल फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जो थीम है वो है कल्चरल ड्रेसिंग की, और बहुत सारी खूबसूरत ड्रेसिंग्स हमें फीमेल्स में मेल्स में यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो कि इस कल्चर को, पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ इन्होंने स्ट्रक्चर्स भी लगाए हुए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कुछ आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे हैं, कुछ स्कल्पचर्स भी नज़र आ रहे हैं, जो कि एक कल्चर को कह लें कि आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उस कल्चर के हवाले से हम कुछ स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे जो कि बिल्कुल कल्चरल ड्रेसिंग में आए हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि कल्चरल ड्रेसिंग को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम शहरियार हसन। किस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है? मैं ये बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ, बैचलर कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंसेज में। सही है, तो कैसा एम्बियंस लग रहा है और इन इवेंट्स के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है हमें। हम स्टडी तो करते रहते हैं, स्टडी हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, लेकिन हम इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, वो हम नहीं कर पाते। मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे कल्चरल इवेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हमें करवानी चाहिए। यहाँ हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स को। हम स्टडी तो करते रहते हैं, लेकिन इससे हमें एक एक्सपोजर मिलता है बहुत सी नई चीज़ें सीखने का। और हम इस वक्त, मैं सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो कि पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई बलूचिस्तान को कर रहा है, कोई सिंध को कर रहा है। तो इस वजह से हमें डिफरेंट कल्चर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर कल्चर की अपनी ही शान है, अपनी ही उसके रंग हैं। इस वजह से हमें ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकें और अपने आप को जो है ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस तरह से नाज़रीन सामीन, इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि कल्चरल हेरिटेज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हम उनसे बात भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि मज़ीद पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट प्रोविंसेस के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ पंजाब भी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। नाम फिजान जान है, मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की 5th सेमेस्टर में हूँ। ओके, मैं आपसे पूछा ये चाहूँगा कि इस सारे इवेंट के हवाले से, इस इवेंट को किस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और कैसे एम्बियंस लग रहा है यहाँ पे? एम्बियंस इसका बहुत अच्छा है, हमने बनाया हुआ है, क्योंकि आई एम वन ऑफ द इवेंट हेड्स, तो हमने यही चाहा था कि इवेंट जो हो रहा है हमारा, उसके अंदर हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें। जैसे आप देख रहे हैं, ये मोन्यूमेंट्स हमने सारी रात तैयार की हैं, उसके बाद जो है हमने बहुत मेहनत की है इसमें ताकि लोग खुश हों, और एज यू कैन सी द ऑडियंस इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ। तो इसके बाद जो है ये एक हमने कोशिश की है, बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है कि इसको जो बाकी नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं फैसलाबाद की, उसके लेवल का ये इवेंट हो, और इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये उस टाइप का इवेंट हो रहा है। चले, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने अभी देखा कि स्टूडेंट्स इसको एंजॉय कर रहे हैं, फैकल्टी मेम्बरान भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, और कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। सामीन, जैसा कि हम आपको कह रहे थे, हमारे साथ कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इस इवेंट को किस तरीके से इंजॉय कर रही हैं, और इस तरह के इवेंट्स के मुतालिक उनके क्या ख्याल हैं। आपका नाम बताइएगा, आपके डिपार्टमेंट का नाम बताइएगा। मेरा नाम निमरा और मैं डिप्टी डिपार्टमेंट से। तो कैसा लग रहा है आपको ये इवेंट, और इस इवेंट के एम्बियंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इवेंट के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो इवेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में अरेंज करने चाहिए, ये स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, और एम्बियंस की जो बात है वो भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत की हुई है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये मतलब एक मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, जैसे कि हम लोग के फाइनल्स भी होने वाले हैं, तो फाइनल से पहले ऐसा कुछ रिफ्रेशिंग जो चीज़ है ना, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में भी होता है, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है। इस तरह का ये जो इवेंट है ये चल रहा है, आज रात सूफी नाइट जो है वो भी प्लान्ड है, सूफी नाइट जो है उसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद कल का जो दिन है वो भी इसी तरह के जो इवेंट्स हैं उनको मुनाकिब किया गया है, और इस तरह के इवेंट्स को लेकर चला जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का ये खासा है कि अगर तालीम को आगे लेकर आया जा रहा है, तालीम के शोबे में माइलस्टोन्स अचीव किए जा रहे हैं, तो साथ साथ कल्चर को भी नहीं भूला जा रहा, कल्चर को भी इसी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, और कल्चर के साथ साथ स्टडीज़ को लेकर चलना, ये एक बेहतरीन मैनेजमेंट की ही कह लें कि एक बेहतरीन मैनेजमेंट ही इस चीज़ को साथ लेकर चल सकती है, और वो तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद चल रही है।
زہر علی کو اجازت دیں اس طرح کی مزید اس ایونٹ کے جو رپورٹس ہیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور زہر علی کو اجازت دیں, آپ سنتے رہے ٹفینز ایف ایم 96.6. اللہ نگہبان.